हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं संगीता। आज मैं लेकर आई हूं मसाला मशरूम। आज मैं जो मशरूम बनाने का तरीका बताने वाली हूं बिल्कुल अलग है और खाने में बिल्कुल टेस्टी होगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहां पे 4 पैकेट मशरूम लिया है। इनको सबसे पहले हम पैकेट को फाड़ के पानी में डाल देंगे। बाकी सारे पैकेट को भी इसी तरह डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से हम धुलेंगे। कम से कम 3 या 4 पानी से इसको हम धुलेंगे कि अच्छे से इसके ऊपर की गंदगी साफ हो जाए। ये देखिए, मैंने मशरूम को 3 से 4 पानी से साफ करके धुल लिया है। मशरूम को अब हम काट लेंगे। बड़े साइज के जो मशरूम है उसको 4 टुकड़ों में कर देंगे और छोटे साइज के जो आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं। मशरूम को हमने यहाँ पे 4 टुकड़ों में काटा है क्योंकि साइज में थोड़ा सा बड़ा था। जो छोटे साइज के मशरूम उसको 2 टुकड़ों में ही रहने दें। अपने मनपसंद आकार में भी इसको काट सकते हैं। मैंने मशरूम को काट लिया है। आप चाहे तो छोटे बड़े आकार जैसे आपको पसंद हो वैसे काट लें। लगभग मैंने 1/2 किलो करीबन प्याज दिया है। प्याज को हम पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए बहुत ही सुहाना मौसम है। मैं इसी में रेसिपी बनाने जा रही हूँ। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। अब हम एक टप लेंगे या भगोना, जो भी आपको लेना हो ले लें, बड़ा साइज में। अब इसमें मशरूम को हम डाल देंगे सारे। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च। लगभग मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 25 से 30 लहसुन की कलियों को एक साथ पीसा है। इस सारे पेस्ट को हम एक में डाल देंगे। ये सादी दही है, इसको हम इसमें डाल देंगे सारे। 1/2 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लगभग 2 चम्मच के करीबन नमक डालेंगे। नमक कम या ज़्यादा आप स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। 2 पैकेट करीबन हमने गरम मसाला लिया है, मीट मसाला, जो भी आपको लेना हो ले लें। सब्जी मसाला भी चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिया है मसाला। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। मशरूम की सब्जी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। ऊपर से हम कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। सबसे पहले हम गैस को जलाएंगे और एक भगोने को रखेंगे और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। लाल होने तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे, एकदम बिल्कुल कच्चापन इसमें ना रहे। ये देखिए प्याज अब धीरे धीरे हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ी देर और हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, ये जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मौसम देखिए बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से ये रेसिपी हम लोग बना लें। ये देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है, अब इसको हम निकाल देंगे। ये प्लेट या थाली में जिसमें भी आपको निकालना हो आप निकाल लें। इसको ऐसे दबाते हुए हम निकालेंगे कि इसका तेल जो है निकल जाए बाकी भगोने में। तेल जो बचा है इसी भगोने में हम रहने देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे हम। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसको हम पीस लेंगे। भगोने में थोड़ा सा और तेल डालेंगे।
देखिए मौसम ख़राब हो गया और लाइट भी चली गई है, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक चम्मच के करीबन मक्खन डालेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं और तेज़पत्ता है, आप देख सकते हैं, सूखी लाल मिर्च, जीरा, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, स्टार वाला फूल है, ये सभी को हम इकट्ठा डाल देंगे। इसमें जीरा डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और स्टार, इन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे, इसको चटकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ ये मशरूम जो हमने पहले से मैरिनेट किया था। मैरिनेट किया हुआ मशरूम को इसमें भगोने में डाल दिए हैं और हाई फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। और जो मैंने प्याज यहाँ पे पीस के रखा था भून के, इसको भी उसमें डाल देंगे। नमक इसमें मैंने 2 ही चम्मच डाला था, 1 चम्मच मैं और ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे सभी को। अब इसको हम एक प्लेट या थाली से ढक देंगे। इसको ढक्कन हटा के देखेंगे, देखिए मशरूम में उबाल आने लगा है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। इसमें पानी की आवश्यकता तो नहीं लग रही है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। मुझे तो पानी आवश्यकता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी। लगभग मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी करीबन पानी डाला है। अब इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई बारीक हरी धनिया की पत्ती। ऊपर से मैंने 1 चम्मच और मक्खन इसमें डाला है। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए मशरूम की सब्जी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी भी एकदम अच्छी स्पंज सी बन गई है। आप इसे पूड़ी से, रोटी से, जिससे भी खाना चाहे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आज की रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाएं। कैसी बनी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।